अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये देखिए आज हम आपको पराठा कबाब रोल बनाने का तरीकेकार बताते हैं। ये रोटी हमने ऑलिव ऑयल में बनाई है, यानी कि नॉर्मल परोठा सा, आप लोग समझ लें किस तरह से नॉर्मल परोठा सा बना हुआ है रोटी। इसके अलावा ये चिकन कबाब है, ये चिकन कबाब भी ऑलिव ऑयल के अंदर ही बने हुए हैं। देखिए इसको किस तरीके से हम समझ लें, जस्ट लाइक ए शवारमा, बट चिकन नहीं है हमारे पास, ये कबाब है। ठीक है, देखिए किस तरीके से बनाया जा रहा है। देखिए ये सिरके में भीगी हुई शिमला मिर्च, खीरा, गाजर, और खीरा, गाजर, शिमला मिर्च टमाटर और टमाटर, यानी कि सलाद टाइप की सारी बंद गोभी, जितनी चीज़ें हमने सिरके में भिगोई हुई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने उसके ऊपर डाल दी। बंद गोभी अभी हमने डाली। देखिए ये कुछ हमने वो बनाया हुआ है चिकन टाइप सा, क्या बनाया हुआ है, ये हमने मसाला टाइप सा बनाया हुआ है, ये इसमें से हमने ये मसाला लिया। यार सारा खत्म हो गया, फायदा ही कोई नहीं बनाने का, मेरे पास दूसरी वीडियो में वो दे दूंगी। बहुत बेहतरीन किस्म का चिकन, जिस तरह से आप लोग कराची पराठा रोल नहीं खाते, ये बिल्कुल उसी तरह से ना चीज बन रही है, होम मेड है सारा कुछ। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोगों ने लाजमी इसको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है, ताकि हम इस तरह की और भी वीडियो। अभी मायोनीज डाली है इसके ऊपर हमने, कैचअप थोड़ी सी, ताकि ये मजीद मजेदार बन जाए। बहुत अच्छी माशाल्लाह बेहतरीन किस्म की है ये, होममेड रेसिपी कह दें, डिश कह दें, जो भी कह दें, आप लोगों ने कभी घर में खानी हो, बिल्कुल शॉर्मे की तरह आप इसको अब कर लें गोल। नीचे हमने वो रैपिंग शीट रखी हुई है जिसमें हम इसको रैप कर देंगे, जिस तरह से शॉर्मे को लोग रैप करते हैं। ठीक है, बिल्कुल शॉर्मे की तरह हमने भेज दिया, पूरी पैक हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों की मर्जी, अगर आपने इसे दरमियान में से हाफ कट करना है तो कर लें, वरना आप डायरेक्ट एज इट इज़ भी रख सकते हैं। ठीक है, जब आप लोगों की मर्जी, डिपेंड करता है आप लोगों की चॉइस पे। चलें, थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने ये देखा। अगर आप लोगों को पसंद आए, लाजमी आप लोगों ने इसको शेयर करना है, शेयर करने के अलावा आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है। ये देखें हमने ये भी बनाई हुई है सारी की सारी, बहुत बेहतरीन किस्म की, ये कट पीसेस किए हुए हमने उसको दरमियान में से, माशाल्लाह अभी हम खाएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी किस्म की बनी हुई है।